हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज 28 नवंबर को जो RSCIT का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास है बी सीरीज़ की बुकलेट। अगर आपके पास ए सीरीज़, सी या डी सीरीज़ की बुकलेट है तो आप अपने पास में रखिए, ओपन करिए बुकलेट को और हम इसको क्वेश्चन वाइज इसके आंसर को मैच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आज के एग्ज़ाम का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, भी प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखेगा जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, प्रिंट पूर्वालोकन यानी कि प्रिंट प्रयोग। क्वेश्चन नंबर दो, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी को निःशुल्क मोबाइल OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एंड्रॉयड, यानी कि दो नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीन, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों एक मजबूत पासवर्ड इसका सही आंसर सी ऑप्शन रहेगा, जिस नाम में कम से कम 7 वर्ण और अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन हो, यानी कि अल्फाबेटिक, न्यूमेरिकी और स्पेशल करेक्टर हो, वो एक मजबूत पासवर्ड माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका POP3। तो बी ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, LCD प्रोजेक्टर के प्रकार है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा, फ्लैट पैनल और लेजर। क्वेश्चन नंबर 6, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब के थ्रू हम इन सब को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे यूजर नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी को ले जाते हैं तो क्या होता है। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाते हैं तो इसके अंदर निर्देशक के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है। उस निर्देशक के अंदर सभी को उपनिर्देश चले गए हैं। तो यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और बी। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड वेब स्टोरेज समाधान कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है राज एवलेट का, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से प्रकार के चार्ट बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है, एक्सेल न्यूलीड कॉपीड फॉर्मूला सेल रेफरेंस समाधान करता है। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हम 13 पे चलेंगे, विंडो 10 फाइल एक्सप्लोरर रिवन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर छिपे दृश्यमान विजुअल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा देखें, यानी कि व्यू हम कर सकते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, आप कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो प्रोसेस, जो CPU की हमारी स्पेसिफिकेशन होती है, मेमोरी की क्षमता, हार्ड डिस्क, तो यानी कि उपरोक्त सभी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकॉन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ट्रे। तो क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर यानी कि बेसिक फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। नंबर 17, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। तो ई कॉमर्स साइट होती है, वो ई कॉमर्स की कैटेगरी में आती है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रिंटर पर एक
प्रिंटर एक कंप्यूटर में निम्न में से किन कंट्रोल पैनल सेटिंग विकल्प के द्वारा इंस्टॉल किया जा सकता है? तो कंट्रोल पैनल, हार्डवेयर, साउंड, उसके बाद में डिवाइस प्रिंटर और एड प्रिंटर, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद में सेटिंग, डिवाइस प्रिंटर, स्कैनर, एड प्रिंटर एंड डिवाइस, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन राइट आंसर है। तो यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, एसओएस के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? आधार नंबर के जरिए या भामाशाह क्रमांक के जरिए? तो दोनों के तरह कर सकता है। तो ए और बी, यानी कि 19 नंबर का ए और बी दोनों राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर इसका, फर्श के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए, बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, असत्य कथन को पहचाने व पुनर्स्थापित करें। तो इसका राइट आंसर 21 नंबर क्वेश्चन का, आप रिसाइकल बिन में फाइलों को बेचकर डिस्क में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। ये तो गलत बात है, क्योंकि जो रिसाइकल बिन का डाटा है तो वो आपका रिसाइकल बर रहेगा, तो आपके सिस्टम में रहेगा, तो आप इसमें जो डिस्क का स्पेस है हार्ड डिस्क का, वो रिक्त का आप खाली नहीं कर सकते। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करें, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो ए आंसर राइट आंसर है, कैश मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 23, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन, फेयर प्राइस शॉप। तो यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ PMJDY से जुड़े हैं? 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा कवर, ये भी सही है। 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर, ये भी राइट है। 5,000 रुपये की आवर ड्राफ्ट सुविधा, तो ये भी सही है। तो यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? तो राइट आंसर प्रिंट लेआउट, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? टोल फ्री के द्वारा कर सकता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल के द्वारा कर सकता है, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कर सकता है, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, सभी, उपरोक्त सभी के द्वारा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने या समाधान प्राप्त करने के लिए बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, राज संपर्क, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, UIDAI का पूरा नाम क्या है? तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन और अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि बी ऑप्शन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो कि आधार कार्ड का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी क्रेडिट कार्ड की विशेषता? बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, भुगतान एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, खरीदें और भुगतान एक साथ करें। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? तो PNR का मतलब यात्री का नाम व रिकॉर्ड, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिकेशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, एसओसओ सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? सहायता डेस्क, लागत कम करें, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, या उत्पादन बढ़ा देना? तो राइट आंसर डी, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? इंटरनेट सेवा की भी जरूरत पड़ेगी, मॉडेम की भी जरूरत पड़ेगी, वेब ब्राउजर की भी जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि उपरोक्त सही, तो 33 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी ISO मानक स्टैंडर्ड है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ISO 27001। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आधार कार्ड अनिवार्य है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर है।
तो दोस्तों आई होप कि आज सभी स्टूडेंट्स ने ये सारे क्वेश्चन इजी तरीके से कर लिए होंगे। तो आपने कितने क्वेश्चन आपके सही हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना।